शुरुआत माइंड में तो आइडिया आया था 2017 में, तब जो बहुत बड़े 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 यूट्यूबर चलते थे, तब कोई गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो अब देख रहे हैं हम डेवलप करें और अच्छी वीडियो लाने की, मतलब जो क्वालिटी वालिटी बाहू मतलब इम्प्रूव करें। यहाँ पे गाँव में नारी नार अये रे। तो नमस्कार, आज हम आ गए हैं करहल और सैफई के बीच में, एक छोटा सा गाँव है, नाम है गड़िया, लेकिन वो गांव उसके नाम से ज़्यादा, जिस नाम से जाना जाता है, वो नाम है राम प्यारे। पहली बात नहीं मानी भागा चटपटी जी, टिक्की पढ़ा के चटपटा पैदा कर दो। राम प्यारे एक ऐसा नाम जो YouTube पर तहलका मचाया हुआ है, जिसने हमें पुच्ची चाहिए बियार जस्ट नाउ, नहीं दिए। और आप सब अगर YouTube देखते हैं तो राम प्यारे को जरूर जानते होंगे। धीरे धीरे लेकर लो ना, पटक दे गलत तो मैं हल्के में ले रही। हमारा जेफो फाइकल को पायलट पूरी दुनिया में ना है। उनकी आंचलिक भाषा उनकी उस वीडियो की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। बस तुम बनाए फुके समझा रखा था सारा तुमको, पहले हमने खुद ही बार बोला तुमने, फाइकल तक तो चल नहीं रही। तेरी तीन साख की मार है फुक गए हम। अब तो आज हम उसी धरती पर मौजूद हैं और हमारे साथ हैं आप सबके प्यारे चहेते दोस्त, आपके राम प्यारे। आइए उनसे रूबरू होते हैं, मिलते हैं और आज बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे। वो कौन हैं, क्या हैं, कैसे उनकी शुरुआत हुई और कैसे वो आप सबके चहेते बन गए देखते ही देखते, आज हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं हमारे प्यारे से दोस्त राम प्यारे जी का। राम प्यारे जी नमस्कार। सबसे पहले बहुत 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 अच्छा लगा हमें आपके पास आकर के, आप हमसे मिले और आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी सबसे पहले मैं हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका असली नाम क्या है। राम प्यारे के नाम से सब जानते हैं, लेकिन असली नाम क्या है आपका? मेरा रियल नाम है शिवम कोहली। शिवम कोहली जी, शुरुआत कैसे हुई और कब आपकी ये शुरुआत हुई, कब YouTube की जर्नी आपने शुरू करी? शुरुआत माइंड में तो आइडिया आया था 2017 में, तब जो बहुत बड़े 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 यूट्यूबर चलते थे, तो मतलब गांव में तो ऐसी कोई कॉमेडी वीडियो है, मतलब कोई मोबाइल थे नहीं इतने, और 4G भी आया था, 16 में आया था 4G, तो इसके मतलब 4G मोबाइल भी नहीं थे, जो ऑनलाइन यूट्यूब पे कोई मतलब वीडियो चला सको, 3G फिर चलती नहीं थी। तो फिर आए तो उस टाइम मतलब सिटी में बहुत मतलब यूट्यूब चले, तो मतलब हमारे माइंड से ज़्यादा था कि मतलब हम कुछ करें अलग करें। तो हमने देखी वीडियो नहीं, गाँव में तो लोग आला सुन रहे हैं, जो सुन रहे मतलब वो सारे सिंगर रहते भागवत वगैरह, तो कि कोई कॉमेडी वगैरह यहाँ पे नहीं, तो कि कुछ करना चाहिए, तो या फिर मतलब माइंड में वो चीज़ ली और हमने किया, तो धीरे धीरे हो गया, सब कुछ सीख गए, फिर आगे बढ़ते गए। शुरुआती दौर में बहुत मुश्किल आई होगी कि वीडियो कैसे बनाएंगे, एडिट कैसे करेंगे, स्क्रिप्टिंग कैसे होगी और डालेंगे कैसे, उसकी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, कैसे पॉपुलर कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें शुरुआत में दिक्कतें आई होंगी, कैसे सॉल्व करी? अरे वो तो सबको दिक्कत आती है कि कैसे एडिट करें, कहाँ से शूट करें, क्या ढूंढें, मतलब यूट्यूब पे वीडियो देख के कैफे हो गई, कैफे क्या हो गई, बोलो कहाँ पे एंगल लगा रहे हैं, कहाँ पे कैमरा लग रहा है, कहाँ पे साउंड है, सब कुछ निकाले धीरे धीरे करके तब सब कुछ एकदम सॉल्व हो गया। बट जो वायरल वगैरह वीडियो वगैरह और इतने ऊपर पहुँचना, ये चीज़ नहीं आती 3-4 साल तक, उसके बाद हुआ जी। तो 2017 में शुरू किया और आने वाले लगभग 3-4 साल तक कुछ भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी तो नहीं मिली होगी, 18 में शुरू किया और शुरू करने के बाद 18, 19, 20 मेरे ख्याल से 3 साल करीब ऐसे गुजर गए। उसके बाद फिर जब पॉपुलैरिटी मिली, भगवान ने हाथ पकड़ा, तो फिर ऐसा पकड़ा कि आज तक वो YouTube पर छाए हुए हैं। तो राम प्यारे जी, सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला वीडियो आपका कौन सा था? वही राम प्यारे वाला था, जो साइकिल लेके ले गए बम्बा में, और बम्बा में ये अपनी राम प्यारे को जो कुदा देते हैं, वो सबसे पॉपुलर वीडियो आप सबने जरूर देखा होगा अगर YouTube देखते हैं तो। नंबर में
तो उस वीडियो से इनको सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी, सबसे ज़्यादा प्यार आप सब लोगों का मिला, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके बढ़ते चले गए। वो चलते रहे, वीडियो से थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला होगा। हाँ, मतलब वो वीडियो वायरल हो गई थी, मतलब हर जगह वायरल ही हो गई थी, जहाँ पे देखो स्टेटस लग रहे थे, स्टोरियाँ लग रही थी, मतलब बहुत सारी, तो वायरल टाइप में हो गई थी वो। तो फिर ग्रो भी हो गए वहाँ पे, थोड़ी सब्सक्राइबर वगैरह अच्छे काफ़ी मिल गए थे, तो फिर तो लोग एकदम आए यूट्यूब पे देखने लगे, तो ऐसे ही सब कुछ हुआ। ऐसे धीरे धीरे करके चलता चला गया। मैं अकेला ही चला था मंजिले जाने, मगर लोग जब मिलते गए तो कारवा बनता गया। शायद तो नहीं है, चलिए कोई नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। और एक बार आपकी टीम से मिलना चाहेंगे, टीम आपकी टीम में आप हैं, राम प्यारिन हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो उन सब से एक बार हमारे व्यूअर्स को मिलवा देंगे कि कौन कौन है अभी पॉसिबल यहाँ पर। राम प्यारे के बाद अगर कोई इनकी टीम में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेरे हिसाब से है वो नाहर जी हैं। सो नाहर और इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनती है। सो नाहर आपका रियल नेम है या फिर कुछ और? अंशु। अंशु आपका रियल नेम है। तो अंशु जी, कैसा लगता है आपको ये जो आप कॉमिक वीडियो बनाते हैं, तो जो कॉमिक है वो आपके करेक्टर में ही है या फिर आपने इसको इजाद किया है, पैदा किया है? करेक्टर में है, बस और क्या है। शुरू से ही मतलब कॉमेडी करना और ये सब ऐसा आपके करेक्टर में पहले से था? मतलब पहले तो नॉर्मली जैसे बातचीत ना करता था, मजाक करता था वैसे ही, और वैसे जो संगा था ब्यूटी और क्या है। आपको पता है सबसे ज़्यादा ब्यूटी जो आपके कॉमिक की है, जो आपकी कॉमेडी वीडियो जो आते हैं उनकी सबसे ज़्यादा ब्यूटी जो है वो है आपकी भाषा, उसकी वजह से आपको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो एक बार उसी भाषा में हमारे व्यूअर्स को आप कुछ कह के बताएंगे। भाई सबको राम राम, और जैसा सपोर्ट मैं दिखा रहा हूँ उसी दिखा रहा हूँ। वाह, तो जैसा सपोर्ट दिखा रहे हैं भाई, इनका सपोर्ट करते रहिए, और बहुत अच्छे बंदे हैं, नेचर बहुत अच्छा है। जितना आप पीछे का नेचर देख रहे हैं उससे ज़्यादा इनका नेचर बढ़िया है। ये जब हम यहाँ पर आए तो हमें इनसे मिलके और ऐसा ही बिल्कुल लगा है, बहुत बढ़िया लगा। तो अभी कुछ पर्सनल सवाल भी पूछना चाहूँगा आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, कि जैसे आपकी अभी शादी तो नहीं हुई है, शादी की तैयारियाँ घर में चल रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई तैयारी नहीं चल रही, कोई प्लानिंग? कोई प्लानिंग नहीं। तो अच्छा, कोई गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड जी हमारे बा में डिक्शनरी में है नहीं। अच्छा, पढ़ाई क्या, पढ़ाई में क्या किया आपने? पढ़ाई में क्या, फेल ही हुए हैं। फेल हुए हैं लेकिन यूट्यूब पे पास हो गए। अभी मतलब बीएससी सेकेंडरी चल रही है, एक बार की थी तो फेल हो गए, छूट गई बीएससी। अब दोबारा कर रहे हैं, फाइनल है इस साल। तो बीएससी किस स्ट्रीम से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब ऐसे ही जब ग्रो नहीं हुए थे, जब मतलब वीडियो वायरल नहीं हुई थी, उससे पहले ही मतलब कर लो बीएससी वगैरह, फिर लोग बोलते हैं कि बीएससी कर लो, जे कर लो, आईटीआई भी करी थी मैंने, नंबर आया था, एडमिशन करा लिया, बट वहाँ पे जा भी नहीं पाए। अब अच्छा, वायरल होने के बाद अब क्या लगता है कि अब मतलब हमने जो करा उसको छोड़ देना चाहिए, अब तो वैसे ही वायरल हो गए, अब तो पॉपुलर हो गए, अब क्या, तो क्या क्या छोड़ देना चाहिए? पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देनी नहीं चाहिए, मतलब मेरा शुरू से ही रहा है पढ़ाई वढ़ाई में, मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा, हाई स्कूल तक रहा मैंने पढ़ाई की, फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा पढ़ाई में बिल्कुल भी, बिकॉज हमें जॉब नहीं करनी थी, सीधी सी बात है, या गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, जॉब नहीं करना था, कुछ अपना करना था जिससे कि लोग हमें फॉलो करें, हम किसी को फॉलो, किसी को फॉलो नहीं करता है, मेरे रूल पे है ये। आप किसी को फॉलो नहीं करते? मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ, कॉमेडी हो या कुछ भी हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं किसी, मतलब मैंने किसी को देख के मतलब वीडियो बनाना, इंस्पिरेशन मिली है, बट ये नहीं है कि मैं उसको फॉलो करूँ, मैंने उस पर छोड़ दिया है। आप अपनी फॉलोइंग बढ़ाना चाहते हैं, लोग आपको फॉलो करें, बट आप किसी को फॉलो नहीं करते। अच्छा, आइडल किसको मानते हैं यूट्यूब जर्नी में आप? आइडल किसको मानते हैं? मेरा तो सीधा फंडा है, मैं मतलब जैसे मतलब ग्रो हुआ इतना वायरल हुआ, तो मैं खुद को ही मानता हूँ, बस अपनी भाषा को मानता हूँ, बस अपनी टीम को मानता हूँ, अपने चैनल को मानता हूँ, बस ये नहीं है, मैं सीधे भी आते हैं, मैं किसी को फॉलो नहीं करता कोई भी हो। अभी कितने व्यूअर हैं आपके? व्यूअर सब्सक्राइबर हैं 4 लाख, मतलब 4.5 लाख समथिंग, जल्दी हो जाएंगे, प्यार मोहब्बत बनाए रखें, भगवान करे बहुत जल्दी, और इस वीडियो के तुरंत बाद आपके फॉलोअर हो जाएं, 5 लाख क्रॉस कर जाएंगे, तो क्या मिठाई खिलाएंगे हमें? अरे बिल्कुल बिल्कुल, जो कुछ खाने हो। कितने लोगों की टीम है? 4 लोग। 1 2 3 4
वाह, तो अभी हमने दो लोगों से मुलाकात करी टीम में, एक तो हमारे मेन करेक्टर जो हमारे हीरो राम प्यारे जी, और एक अंशु जी जो कि नाहर की भूमिका में आपने हमेशा देखा होगा इनको। और अब हम चलेंगे इनके तीसरे टीम मेंबर के पास, चार लोग हैं ये, तो थोड़ा सा इधर आ जाएंगे आप। क्या शुभ नाम है? नीरज। नीरज जी, तो सबसे ज़्यादा आपको क्या अच्छा लगा, मतलब वीडियो में और ये काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ेदार कौन सी चीज़ आपके साथ रही? मज़ेदार चीज रही मतलब घर ही रहो, आदमी जान है घर ही, मतलब आदमी बाहर ना जाना पड़े जॉब करवे, घर ही ऐसा कोई काम कर जा सब खर्च चल सके, जो मतलब तो बाहर ना जाना पड़े, घर पे ही रहो गाँव में, कितना अच्छा है। सबसे ज़्यादा आपको अभी मतलब जब आप एक्टिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो वीडियोस में अलग अलग करेक्टर करने पड़ते हैं, है ना, तो सबसे ज़्यादा कौन से करेक्टर में आपको मज़ा आता है? वो तो मतलब जो रोल हो जाए सब मज़े यार, रोल कर मेरे मन कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ ना है। कोई ऐसा करेक्टर जो सबसे पसंद आया हो आपको कि नहीं ये मुझे, मतलब मेरा मेन करेक्टर है वो राम प्यारी को ही है। राम प्यारी का ही करेक्टर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है और वो करेक्टर आप सबसे ज़्यादा करते भी हैं। इसके अलावा चौथे टीम मेंबर के पास, दाढ़ी मूछों से आप थोड़ा समझदार व्यक्ति लग रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि मेरी मूछ है तो मैं आपकी मूछों की तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, 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 हमारी टीम में सबसे समझदार व्यक्ति हैं हमारे भाई। हाँ, सब तो सबसे ज्यादा बुजुर्ग इनकी टीम में आप ही लग रहे हैं। बुजुर्ग कितना क्या बगत में हैं तो सब इक्वल, बट बारे में समझदार व्यक्ति। तो बारे जी, असली नाम क्या है आपका? असली नाम शिवम है, लेकिन बारे भाई के नाम से ही सारे लोग जानते हैं हमें। तो शिवम इधर भी और शिवम उधर भी, वाह। तो आपकी टीम में शिवम का पल्ला भारी नहीं रहता, ऐसा कुछ तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, कोई ऐसी बात होती हो कि आप कहते हो कि नहीं हमारे वोट ज़्यादा है तो हमारी बात मानी जाएगी? अरे नहीं, वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं, नहीं। कभी कोई आपस में झगड़ा भी होता है? नहीं नहीं, कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता। पॉपुलैरिटी और प्यार की बात तो ये करें कि आपसे लोग इतना प्यार करते हैं कि आपको बहुत दूर दूर तक लोग जानते हैं। हम भी प्यार करते हैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा। कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से? बस सबको प्यार मोहब्बत ऐसी बनाए रखो, सबको थैंक यू लव यू राम राम जी बस। कोई गलती हो तो माफ़ कर दो, ना है कि मतलब चढ़ बैठो, कोई दिक्कत ना है, गलती हो जाती है, सबसे गलती होती है, हम जी कहते हैं अपने व्यूअर्स सबसे। कौन सी अभी नई कोई प्लानिंग कर रहे हैं? प्लानिंग है, अच्छी वीडियो आएगी, नेक्स्ट लेवल आएगी और हर चीज़ अच्छी होगी इसमें। कैसे अभी जो आप काम करते हैं वो स्टैंडर्ड, देखो कोई भी स्टैंडर्ड किसी इक्विपमेंट से नहीं होता, लेकिन अभी जो आप काम करते हैं वो आपकी कॉमेडी का लेवल उसमें बहुत हाई है, बाकी चीज़ों के लेवल की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन कॉमेडी का जो लेवल है वो आपका बहुत हाई है, तो वो चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? कुछ मतलब मैं इक्विपमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास हैं जिनसे आप काम करते हैं? मतलब मेरा सीधा फंडा है, मतलब मैं मानता हूँ हमारी वीडियो में क्वालिटी कम होती है, अभी भी हम फोन से शूट करते हैं और एंगल कम होते हैं, प्रोफेशनल वीडियो नहीं होती है, बट जो एक्टिंग है ना, लोग हमारी वीडियो एक्टिंग देखते हैं कि बंदा बोल क्या रहा है, डायलॉग क्या बोल रहा है, तो वही मैटर करता है। वीडियो कोई भी हो मतलब आदमी देखता है, जो देखना चाहता है वो मिले उसे देखने को, वो जे नहीं कहेगा कि मतलब क्वालिटी अच्छी आ रही, बैकग्राउंड ब्लर हो रहा, कैमरा एंगल कहाँ लगा हुआ है, तो जी मैटर नहीं करते, हाँ मानते हैं मतलब मैटर करती है, तो हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो अब बात देख रहे हैं डेवलप करें और अच्छी वीडियो लाने की, मतलब जो क्वालिटी वालिटी बाव मतलब इम्प्रूव करें, अच्छी होएगी। वीडियो वायरल होने के बाद में आपके सब्सक्राइबर्स एकदम से हाइप हो गए, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे एकदम से नए सब्सक्राइबर्स आपके पास आने लग गए, और अब जो वीडियो आ रहे हैं तो क्या कुछ आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पहले से हम और इम्प्रूव करके उनको देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर वीडियो मेरा यही मतलब रहता है कि मतलब जो मैंने पहले दिखाया वो मैं अब नहीं दिखाना चाहूँगा, अब मैं कुछ अलग करके दिखाऊँ, तभी तो ऑडियंस देखेगी, अब वही देखते दिखाते रहे बोर हो जाएंगे, गाली देंगे वो, तो वही सीन है। मोबाइल से अभी शूट करते हैं, कोई दूसरा इक्विपमेंट नहीं है, शूटिंग भी मोबाइल से होती है, आप देखेंगे कि जो वॉइस रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए भी मोबाइल का ही इनपुट लेते हैं, और एडिटिंग भी मोबाइल से ही करते हैं, काइन मास्टर से? हाँ, काइन मास्टर से करते हैं, सबसे बेहतर मोबाइल से ही एडिटिंग होते हैं, सब कुछ मोबाइल से करते हैं, ये हम सब के लिए बहुत इंस्पिरेशन की बात है कि आपको कहीं और से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको काम करना है तो पैसा मैटर नहीं करता है, सिर्फ जो चीज़ मैटर करती है वो करती है आपका जोश, आपका जुनून और काम करने में आपकी लगन। अभी क्या क्या मतलब कितनी अर्निंग है अभी लगभग यूट्यूब से?
अर्निंग का पता होगा, जो यूट्यूब चलाते हैं आपको भी पता होगी, अर्निंग वही आती है। आरपीएम वगैरह फ्री चल नहीं रहा है, वही आ रहा है माइनस में एफ आई हो जाता है 12-13-14, तो बाकी फाफी लोग जो जानते हैं समझ गए कितना हुआ है, काउंट कर लो उससे। उसके अलावा जैसे यूट्यूब पर एडसेंस के अलावा और कोई अर्निंग का सोर्स? एडसेंस के अलावा और कोई सोर्स नहीं है। स्पॉन्सरशिप वगैरह? स्पॉन्सर मिलता ही नहीं है, इतना एक आदमी मिल जाता है तो इतनी प्राइज नहीं मिलती है, तो हम करते नहीं हैं। अच्छी थोड़ी बहुत मिल जाती है तो फिर कर भी लेते हैं। इसके अलावा अभी जैसा आप कर रहे हैं तो उसके अलावा आगे और क्या, मतलब एक चैनल तो आपका है गली बॉय, इसके अलावा और क्या कुछ करना चाहते हैं आगे? ये गली बॉय इसको बहुत ऊपर ले जाना है। कितना ऊपर ले जाना है? तो ऊपर कैसे, रॉकेट वॉकेट कुछ इंतजाम किया आपने? रॉकेट नहीं मेहनत है ना अपनी। जैसे आपके जोन में, जैसे आप कॉमेडी वीडियो बनाते हैं तो कॉमेडी वीडियो और भी बहुत सारे लोग बनाते हैं और आपसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी हैं, उनके पास व्यूअरशिप भी अच्छी है, आप किसको अपना कंपटीटर मानते हैं? मैं किसी को नहीं, खुद को मैंने पहले भी बताया था, अभी बता रहे हैं, मैं किसी को फॉलो नहीं करता भाई, हम खुद ही कंपटीटर हैं बस। मैं जो कुछ करता अपना जो वीडियो बनाया है उससे बेस्ट देना है नेक्स्ट वीडियो, यही कंपटीशन है। ये नहीं है कि मतलब वो बंदा आगे कट रहा है और मुझे किसी से कंपटीशन नहीं है, किसी से कंपटीशन करें तो हम यहाँ पे नहीं, वहाँ पे नहीं पहुँच पे, खुद से कंपटीशन करें तो वहाँ पे पहुँचे। जो बातें कर रहे हैं कि किसी से भी कंपटीशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को, खामखा आप क्यों नीचा देखें, दिखाएं खुद की नज़रों में, आप खुद से कंपटीशन करें तो हमेशा ही आगे बढ़ेंगे, किसी दूसरे से कंपटीशन करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत अच्छी बातें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, आपकी पूरी टीम बहुत मज़ेदार है, बहुत फ़नी है, जितना वीडियोज़ में दिखते हैं उससे भी ज़्यादा फ़नी ये लोग असलियत में हैं, बहुत अच्छा तालमेल है आपस में सबका, बहुत अच्छा केमिस्ट्री है सबकी आपस में, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छा नेचर है, मैंने पहले भी बताया। तो अभी कुछ हमारे व्यूअर्स से आप कहना चाहेंगे अपनी भाषा में? ये कह रहे भैया यार, जो मतलब भैया कोई एप्लीकेशन है भाई डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पे, हाँ प्ले स्टोर पे डाउनलोड करो KIA न्यूज और जाए देखो, और न्यूज वगैरह बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं, और पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सब कुछ करते हो ठीक है, और हमारा इंटरव्यू नहीं पे आया रहा तुम्हें पता ही है, इंटरव्यू अच्छे अच्छे डाते डाते ले। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि RBI पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है, और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज़ पढ़ने के लिए KIA न्यूज़ ऐप डाउनलोड।